जो इनक्यूबेटर हम लोगों ने देसी जुगाड़ से यूट्यूब पे सीख के बनाया था, उसका रिज़ल्ट आ चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितना रिज़ल्ट आया है, कितना परसेंट रिज़ल्ट मिला है और कितने बच्चे अपने निकल गए हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि बच्चे मेरे हाथ में हैं। जी हाँ, सक्सेसफुल तो हुआ है, मैंने यूट्यूब से सीख के इनक्यूबेटर बना लिया और मेरे को रिज़ल्ट भी मिल गया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि YouTube पे देख के हम लोग घर पे इनक्यूबेटर बना सकते हैं। और आगे इस चीज़ में आपको एक और चीज़ बताऊँगा, ये जो अंडा आप देख रहे हो जिसमें से बच्चा नहीं निकला, वो क्यों नहीं निकला या फिर देखेंगे बच्चा बना था या नहीं बना था इसमें, ये चीज़ को भी मैं दिखाऊँगा आपको। साथ में देखेंगे मैंने बच्चे को पहले दिन खाने में क्या दिया है। देखो दोस्तों, ये जो इनक्यूबेटर हमने बनाया था, आज उसका 20वां दिन ही है और मुझे नज़र आया है एक अंडे पे क्रैक, जो आप देख सकते होंगे। देखिए ये क्रैक दिखाई दे रहा है अंडे पे, हल्का सा क्रैक लगा हुआ है, मतलब बच्चों ने अंदर से अंडे को तोड़ना शुरू किया हुआ है। ये पहला अंडा है जो टूटा हुआ नज़र आ रहा है मुझे। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि नज़दीक से दिखा दूँ इसको, खोल करके अंडे को उठा करके मैं आपको एकदम नज़दीक से दिखा देता हूँ। दोस्तों इसमें मैंने चेक किए हुए दो अंडे पहले से ख़राब हो चुके हैं, जिसमें बच्चा नहीं बना है, और 5 अंडों में बच्चे बन चुके हैं। आप देख सकते हो कि मैंने ये जो है पैन का रेगुलेटर लगा के इसका टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ था, जो मैंने पहले वीडियो में दिखाया है आपको, के पहले वाली जो वीडियो है मेरी उसमें आप, और एक थर्मोस्टेट है जिससे मैं टेम्परेचर को कंट्रोल करता था। मतलब जैसे मुझे पता चलता था कितना टेम्परेचर अंदर है मेरी। देखो मैं नॉर्मल सा एक बॉक्स लिया था, बॉक्स में ही बनाया था मैंने इनक्यूबेटर, तो इतना रिजल्ट नहीं आया क्योंकि जब टेम्परेचर जल्दी कवर नहीं कर पाता था बॉक्स की वजह से, बाहर की ठंडी और अंदर की गर्मी मैनेज नहीं हो पा रही थी। आप देखना, अभी मैं आपको अंडा दिखा देता हूँ उठा के निकाल करके। ये देखो ये वाला जो अंडा है जिसमें क्रैक देखा आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो बच्चे ने अंदर से अंडे को तोड़ा हुआ है, और बाकी अभी तक किसी भी अंडे में क्रैक या कुछ नहीं नज़र आ रहा है। ये देखिए ये जो है, आपको एक मिनट सही ढंग से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा फोल्ड करके देखो बच्चे की चोंच नज़र आ रही है, बाकी किसी में नहीं दिखाई दे रहा है अंडा। ओह, में भी हल्का सा क्रैक नज़र आ रहा है, वेरी गुड। दो अंडे टूटे हुए हैं अपने इस वक्त, दो अंडे टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों कुछ देर बाद का नज़ारा है, बच्चों ने अच्छा खासा अंडे को तोड़ने की कोशिश की हुई है और दोनों बच्चे आवाज़ भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा साउंड बच्चों का बाहर आ रहा है और वो अंडे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बच्चा निकलते हुए भी दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी तक और बाकी किसी भी अंडे को क्रैक नहीं आया हुआ है, सिर्फ दो अंडे को आ चुका है। ये रात को दो बच्चे निकल चुके हैं और बाकी के दो बच्चों को, दो अंडों को भी क्रैक कर दिया है बच्चों ने अंदर से। देखो चारों बच्चे अपने निकल चुके हैं और जो एक दो अंडे तो ऑलरेडी ख़राब है और एक अंडा जो बचा हुआ है उसको मैंने कैंडलिंग करके देखा था, तो उसके अंदर बच्चा नज़र आ रहा है लेकिन बच्चा हिलजुल नहीं रहा है, और अभी तक बच्चे ने अंदर से कुछ क्रैक भी नहीं किया हुआ। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैंडलिंग पे, ये देखो बच्चा अंदर पूरी तरह से बना हुआ है। शायद एक दो दिन बच्चा पहले मर चुका है या पता नहीं क्या हुआ, वजह क्या है ये पता नहीं है मुझे, लेकिन बच्चा अभी फ़िलहाल हिल नहीं रहा है। हम अंडे को तोड़ के देखते, अंडे को हम लोग बड़ी सावधानी से तोड़ेंगे ताकि अगर अंदर बच्चा है तो उससे कुछ नुकसान ना हो, अगर बच्चा ज़िंदा है तो। आज 22
डेज हो चुके हैं, 22 डेज के बाद मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। 21 डेज से पहले कभी भी इसे ट्राई मत करिएगा, क्योंकि 21 डेज तक बच्चे निकलते रहते हैं। अपने पहले वाले बच्चे 2 दिन के हो चुके हैं, जिसको मैंने गुड़ का पानी और खाने में जो मेरे घर में थोड़ा सा रवा था वो और थोड़ा सा राइस को बारीक करके दे दिया है। बाकी मैंने बच्चों को कुछ नहीं दिया हुआ है फिलहाल तो। और मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, देखो ये बच्चा अंदर रेडी है, पूरी तरह से तैयार है, लेकिन मर चुका है। कोई हिलजुल नहीं रहा है वो, कुछ नहीं, मूवमेंट कुछ नहीं दे रहा है वो अंदर, लेकिन बच्चा पूरी तरह से रेडी है। आप देख सकते हो, मैं बाहर भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो बच्चा पूरी तरह से तैयार है। शायद क्या है, टेम्परेचर कभी कभी अपना 40 तक भी चला जाता था, तो उस वजह से शायद मेरे ख्याल से बच्चा अंदर ही अंदर मर चुका हो। ये देखो बच्चा पूरी तरह से रेडी था, उसका एलो योग भी नहीं बचा है, मतलब पूरी तरह से बच्चा रेडी था। शायद अंडा ज़्यादा सख्त था, ह्यूमिडिटी बराबर बनी नहीं, उसकी वजह से वो बच्चा अंडा तोड़ नहीं पाया होगा। शायद मैं एक दिन पहले तोड़ता तो शायद बच्चा ज़िंदा भी मिल सकता था मुझे, लेकिन बच्चा पूरी तरह से रेडी हो चुका था। अब ये देखो अपने 4 बच्चे एकदम नॉर्मल, जिसमें से एक ये अभी अभी निकला हुआ है जो आप देख रहे हो बैठा हुआ है, कुछ ही देर पहले लास्ट वाला है वो, सबसे लास्ट में निकला हुआ बच्चा है वो।